करने जा रहे हैं वो है कुछ ग्राफ्स रिलेटेड टू द रेजोनेंस, ठीक है, ग्राफ्स रिलेटेड टू रेजोनेंस, यानी अनुनादी परिपथ जब आता है होता है उस सब उससे संबंधित कुछ ग्राफ आज हम करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा होगा XL, XC और R वर्सेस, द फर्स्ट वन ग्राफ विल बी XL, XC एंड R वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन तीन इनके बीच में हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। XL इज इक्वल टू क्या होता है वैसे, ओमेगा L, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, तो जगह 2 पाई f है। XC आता आपका होता है सॉरी 1 बाय ओमेगा C, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पाई fc, ठीक है ये। और R, अब देखो आप R तो आ रही है, अब देखो यहां पर देखो XL भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, XC भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन R फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसके बीच में अगर ग्राफ बनाए आप, सपोज यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और R के बीच में ग्राफ बनाए, तो R फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये R हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। अगर हम XL करें तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL सीधे बढ़ेगा, तो लगभग लगभग इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा XL का, ठीक है, ये XL का ग्राफ हो जाएगा, XL वर्सेस f का। अगर XC वर्सेस f का ग्राफ करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो XC घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो XC घटेगा, लगभग लगभग कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ XC का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस जगह पर जहां पर आप यहां मैं ये लिख रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि XL और XC दोनों क्या है, यहां पर इक्वल आ गए, XC और XL दोनों इक्वल आ गए, तो ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन हो जाएगी, यानी इस केस में यहां पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर, क्योंकि यहां पर दोनों आप देख रहे हैं XL और XC दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी फ्रीक्वेंसी लाएगी, वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है आपका पहला, ठीक है। दूसरा ग्राफ जो मैं इसमें आपको बताऊंगा वो है जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड आपको पता है परिपथ की प्रतिबाधा, दैट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो इंपीडेंस प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ना सॉरी इंपीडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबाधा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहां से आप देख पा रहे हैं XL इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL क्या होता है, 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ है डिफरेंस 2 पाई सॉरी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। अगर आप Z और F के बीच में अगर ग्राफ बनाए, लेट्स से Z और यहां आपका F के बीच में अगर ग्राफ बनाए, तो देखो फ्रीक्वेंसी सपोज आप मिनिमम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मिनिमम लेंगे तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर आप मिनिमम लेते हैं तो ये वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगी 2 पाई एफ एल, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो स्क्वायर हो रहा है तो और भी ज्यादा आ जाएगी, इसका मतलब जेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हरी तो जेड तब भी क्या है, मैक्सिमम है। अब मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर देता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्वायर करना है, फिर भी आपका जेड क्या आना है, मैक्सिमम आना है। तो फ्रीक्वेंसी को आप मिनिमम कर रहे हैं तब भी जेड मैक्सिमम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आप मैक्सिमम करेंगे तो तब भी जेड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और बीच में एक सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाएगी जब आपको जो जेड है वो मिनिमम मिलेगा। तो जेड मिनिमम किस केस में होता है, रिजोनेंट की कंडीशन में, अनुनादी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो जेड होता है वो मिनिमम होता है, यहां पर मिनिमम एक जेड मिल सकता है आपको, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, अनुनादी आप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजोनेंस, क्लियर हो गया। तो ये जेड वर्सेज आई का ग्राफ हो गया, जेड वर्सेज एफ का ग्राफ हो गया। अब आपको पता है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होता है, मैंने कराया था आपको, क्लियर है। अब मैं जो तीसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूं बच्चों, वो तीसरा ग्राफ होगा आपका किसका, वो होगा I नॉट वर्सेस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सपोज ये यहां आपका ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में अगर ग्राफ बनाए तो देखो जेड मैक्सिमम करंट मिनिमम, जेड मिनिमम करंट मैक्सिमम, यानी I और Z एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी I का ग्राफ Z का उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और Z क्या होता है, Z जब मिनिमम है
तब भी z ऑफ फ्रीक्वेंसी, z फ्रीक्वेंसी और वर्सेस z का ग्राफ ऐसा बनेगा, z मिनिमम और मैक्सिमम की स्टेज में ये ग्राफ बनना है, तो करंट का ग्राफ ठीक इसका उल्टा बन जाएगा क्योंकि इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। यानी करंट सब जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो करंट मिनिमम है, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपने कर दी तो करंट तब भी मिनिमम होगा, लेकिन एक सिचुएशन बीच में मिड वैल्यू कोई ऐसी पहुंच सकती है जहां पर आपको करंट मैक्सिमम मिल सकता है। अब आपको पता है जहां पर मैक्सिमम करंट होता है आई मैक्स जहां पर होता है, इसी स्थिति में क्या होता है अनुनाद, अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति में आपको पता है करंट मैक्सिमम होता है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देंगे आप एफ नॉट। ये तीन ग्राफ समझ में आ गए, क्लियर है। अब हम पावर निकालते हैं, सपोज अनुनाद की स्थिति पे पावर कैसी हो। अब आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इनटू कॉस फाई, लेकिन इन केस ऑफ द रेजोनेंस फेज डिफरेंस इज जीरो, फाई जीरो होता है रेजोनेंस की कंडीशन में अनुनाद की स्थिति में, तो कॉस फाई जीरो यानी कॉस जीरो वैल्यू वन हो जाएगी। तो अनुनाद की स्थिति में जो P होगा वो केवल V RMS होता है, V not by under root 2 into I not by under root 2, ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, अनुनाद की स्थिति में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो किसके बराबर होता है V not by R के इक्वल होता है, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में मैंने आपको इन केस ऑफ द रेजोनेंस जो सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, मिनिमम होता है इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया देख लेना एक बार। तो आई नॉट मैक्स आपका वी नॉट बाय आर होता है ना, तो यहां से वी नॉट की वैल्यू को मैं ले सकता हूं आई नॉट मैक्स इनटू आर, यहां पर पुट कर लूंगा, और अगर अनुनाद की स्थिति आ रही तो करंट मैक्सिमम होता है बिल्कुल, तो पी इक्वल्स टू वी नॉट की जगह क्या रख सकता हूं आई नॉट मैक्स इनटू आर, आई नॉट मैक्स इनटू आर इनटू ये आई नॉट भी क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख पा रहे हैं यहां से P इक्वल्स टू जाएगा आई नॉट मैक्स स्क्वायर इनटू आर बाय 2। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि पावर भी क्या है मैक्सिमम पावर है, क्यों इन केस ऑफ द रेजोनेंस करंट मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम तो पावर भी तो मैक्सिमम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इन केस ऑफ द रेजोनेंस जब रेजोनेंस होता है सर्किट में तो करंट मैक्सिमम होता है, तो उस समय पावर भी क्या होती है मैक्सिमम होती है। अगर पावर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो करंट और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के ही जैसा होगा, समझ आ गई। तो क्या कह रहा हूं मैं, इन केस ऑफ द रेजोनेंस द पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, करंट ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, इंपीडेंस इज मिनिमम, क्लियर। ये तीन चार पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में कि एलसीआर सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहां पर है, ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके, अब हम इसमें कर रहे हैं क्या कि एलसीआर सर्किट जो आपका होता है ना बच्चों, इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, इसका यूज कहां होता है बेसिकली। जो इसका यूज हमारा जो नॉर्मली जो होता है वो होता है रेडियो ट्यूनिंग, कहां होता है रेडियो ट्यूनिंग। तो LCR सर्किट का यूज हमारा रेडियो ट्यूनिंग होगा। अब रेडियो ट्यूनिंग का मतलब समझे को, हमारे जो वायुमंडल होता है, आकाश होता है, अंतरिक्ष होता है, जो भी है, इसमें बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है आपके चारों इधर उधर हर जगह, अलग अलग टाइप की है, अलग अलग टाइप की आपकी क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है, बहुत टाइप की, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं, सपोज एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग आवृत्ति की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सपोज एक फ्रीक्वेंसी में 92.7 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज ले रहा हूं, ये किसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपको पता है, ये होता है रेड एफएम होता है, कौन सा एफएम पता है, बिग बिग एफएम कुछ होता है ऐसे देख लेते है ना। कुछ सपोज आपको मैंने 93.5 ले लिया, एक रेड एफएम की होती है, अलग अलग आप ये एफएम रेडियो सुनते होंगे, कुछ 98.7 रेडियो मिर्ची कुछ इस टाइप से होता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, मैंने खाली तीन ऐसे नाम के लिए, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है आपकी आसमान, बहुत सारे बहुत सारे। हम क्या करते हैं यहां पर, हमने एक रेडियो एंटीना लगाया, अब ये रेडियो एंटीना क्या करेगा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी सारी जो फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनके ये सारे इसमें इंड्यूस हो जाएंगे, ये सारे के सारी वोल्टेज, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रेडिएशन है इनकी वोल्टेज ये आपकी एंटीना ले लेगा, सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये कोई एक को नहीं देता है रेडियो का एंटीना,
सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को की जो वोल्टेज है उसको ये क्या कर लेगा, अपने में इंड्यूस कर लेगा। अब हमारा बात आता है रेडियो में। रेडियो में क्या होता है, रेडियो में हमारा बना होता है एलसीआर सर्किट। ये सी है, ये एल है, एलसीआर सर्किट होता है ये रेडियो में आपका, इस टाइप का सर्किट होता है, ठीक है एलसीआर सर्किट। अब क्या होता है, ये सारी की सारी जो वोल्टेज जो एंटीना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सारी वोल्टेज ने कैप्चर कर रखी है, ये सारी वोल्टेज आपके एलसीआर सर्किट में इंड्यूस हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। ये सारी की सारी वोल्टेज आपकी एलसीआर सर्किट में इंड्यूस हो जाएगी, सारी की, कोई एक वोल्टेज यहां भी नहीं होगी, सारी की सारी वोल्टेज 92.7 मेगाहर्ट्ज वाली, 93.5, 98.7, जो भी जितनी भी इन बिटवीन जो भी वैल्यूज हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वोल्टेज आपके इसमें इंड्यूस हो जाएगी, किसमें, एलसीआर सर्किट जो रेडियो के अंदर होता है, इसमें इंड्यूस होगी। अब बात आती है रेडियो में ट्यूनिंग की। हम ट्यूनिंग में क्या करते हैं, रेडियो का नॉब को घुमाते रहते हैं, उस घुमाने से क्या होता है, इसके कैपेसिटर को जो हमारा सी जो है इसको एडजस्ट करते रहते हैं। कैपेसिटर एडजस्ट करने से क्या होता है, हम एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं उसकी, एक अनुनादी आवृत्ति लाते हैं, एक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमारा चैनल आ जाता है, वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पाएगा। माना किसी केस में हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक हमारी 92.3 होगी या 7 होगी, 92.7 की फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर ली, करते करते 92.7 फ्रीक्वेंसी सेट क्या होगा उस केस में। इस केस में अगर मैं आपको बताऊं आई नॉट और फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर ली, हम सपोज हमने 92.7 ये फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर ली, तो आपको बताया ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी सेट करी तो इस फ्रीक्वेंसी से आते ही ये जो 92.7 वाली जो रेडियो मैग्नेटिक वेव का वोल्टेज में इंड्यूस हुआ है, सभी हुए वैसे इंड्यूस तो, लेकिन जो 92.7 वाली वो हमने सेट करी है, वो वाली फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये F0 है, तो इसके लिए जो करंट हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर, ये करंट आपका मैक्सिमम करंट हो जाएगा एलसीआर सर्किट में उस केस में, नहीं F0 जब आपने 92.7 सेट कर दिया तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, उस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए आपने फ्रीक्वेंसी सेट करी है, और उस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए इस सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। अब क्या होगा, करंट मैक्सिमम है तो पावर भी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, आपको वही वाली आवाज सुनाई देगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको और आवाज नहीं सुनाई देगी, सपोज 92.7 से पीछे आप कुछ और चैनल ले लो, कुछ और सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 92.6 ले लेता हूं, 92.7 से आगे मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 92.8 ले लेता हूं, तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी वो कैच करेगा, क्योंकि ये भी तो करंट की, यहां पर भी तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन दोनों पे, 92.6 एंड 92.8 पे, यहां पर भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ये कैच कर लेगा। यानी अब मैं आपको बता दूं कहां से कहां तक, आई नॉट से लेके आई नॉट बाय अंडर रूट 2 यहां तक का जो करंट है, जिस जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वोल्टेज का इनके बीच का जो करंट होगा उसको आपका रेडियो कैच कर लेगा, ठीक है। लेकिन आपको आवाज 92.7 की सुनाई देगी, क्यों क्योंकि इसलिए होता है ना, 92.6 और 92.8 चैनल होगा ही नहीं आपका, ये वाला चैनल आपका रेडियो स्टेशन अलाउ ही नहीं करेगा। अरे क्यों करेगा रेडियो स्टेशन अलाउ, इसीलिए आपका रेडियो स्टेशन जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है उसमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, कुछ ना कुछ सेपरेशन वो करते हैं, इसी कारण से करते हैं, ठीक है, ओवरलैप ना हो अदरवाइज, क्योंकि यहां से यहां तक के करंट को तो वो कैप्चर करेगा ही, अगर ये वाला भी चैनल रहता तो इनकी भी आवाज आपको सुनाई देती, कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप सेट भी करो तब भी यहां तक की आवाज आपको सुनाई देती, लेकिन नहीं सुनाई देती आपको 92.7 की सुनाई देगी, बाकी यहां पर और यहां पर कोई चैनल नहीं तो इनकी आवाज नहीं सुनाई देगी, बट दीज आर देयर, क्लियर है, इनके लिए करंट इनके उनके लिए भी क्या है, मैक्सिमम है, और ये आपका चैनल नहीं होगा, क्लियर है, एक एग्जांपल के रूप में आपको दे दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेडियो ट्यूनिंग सेट करते हैं, ये आपका रिजोनेंस का एक क्या हो जाएगा, एक अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ द रिजोनेंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नोट करो, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं।